हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के वो नाम हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 23 दिसंबर 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में जन्मे पंडित राम बेनीपुरी के नाम में ही उनके गांव के नाम का उपनाम जुड़ा हुआ है। ननिहाल से प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद और फिर मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। अपनी प्रभावशील भाषा और आकर्षक एवं शौर्य की आभा से परिपूर्ण व्यक्तित्व की बदौलत वो दिलों पे राज करते थे। वे एक सफल संपादक के रूप में भी याद किए जाते हैं। वे राजनीतिक पुरुष नहीं थे परंतु पक्के देशभक्त थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए थे। ये हिंदी साहित्य के पत्रकार भी रहे और इन्होंने कई समाचार पत्रों जैसे युवक जो 1921 में प्रकाशित हुई उसको निकाला। इसके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में संलग्न रहे। बेनीपुरी की भाषा सहज, सधी और बेहद छोटे छोटे वाक्यों में सजीली भाषा थी। बेनीपुरी जी के गद्य की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उसकी भाषा परिवेश, विद्या और पात्र के अनुसार अपना चेहरा या आकार ले लेती थी, इसलिए लोग उन्हें कलम का जादूगर कहते थे। बेनीपुरी जी की रचनाओं में छोटे छोटे वाक्य दृश्य को नजरों के आगे जीवंत करने की क्षमता तो प्रेमचंद जैसी थी, वहीं सरसता और सहजता उनसे ज्यादा दिखती थी। रामवृक्ष बेनीपुरी की आत्मा में राष्ट्रीय भावना लहू के संग लहू के रूप में बहती थी, जिसके कारण आजीवन व चैन की सांस ले न सके। शुरुआती जीवन में ही अपनी कई क्रांतिकारी रचनाओं के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1942 के अगस्त क्रांति के कारण भी उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी थी, परंतु बेनीपुरी जी की कलम जेल में भी खामोश नहीं होते। वो कैद होने के बावजूद कई आग भड़काने वाली रचनाएं लिखते थे जो समाज में नई नई स्फूर्ति जगाने का काम करता था। जब भी वे जेल से बाहर आते उनके हाथ में 2-4 ग्रंथों की पांडुलिपियां अवश्य होती जो आज की साहित्य की अमूल्य निधि बन गई। उनकी अधिकतर रचनाएं जेलवास की कृतियां हैं। 1930 के कारावास काल के अनुभव के आधार पर पतितों के देश में उपन्यास का सृजन हुआ। इसी प्रकार 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ने पर विवश हुए तो सभी राजनैतिक एवं देशभक्त नेताओं को रिहा कर दिया गया, उनमें रामवृक्ष बेनीपुरी जी भी थे। कारागार से मुक्ति की पावन पवन के साथ साहित्य की उत्कृष्ट रचना माटी की मूर्तें, कहानी संग्रह और आम्रपाली उपन्यास के पांडुलिपियां उनके उत्कृष्ट विचारों को अपने अंदर समा चुकी थी। उनकी अनेक रचनाएं जिसमें जयप्रकाश, नेत्रदान, सीता की मां, विजेता, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब शामिल हैं। शेक्सपियर के गांव में और नींव का ईंट, इन लेखों में भी रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने प्रेम, साहित्य प्रेम, त्याग, महत्ता, साहित्यों के प्रति सम्मान भाव दर्शाया है। दिनकर जी ने एक बार बेनीपुरी जी के विषय में कहा था, स्वर्गीय रामवृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है, वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक और कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख कृतियां उपन्यास के रूप में पतितों के देश में आम्रपाली, कहानी संग्रह के रूप में माटी की मूर्तें, निबंध के रूप में चीता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, जंजीरे और दीवारें, नाटक के रूप में सीता का मन, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, शकुंतला, रामराज्य, नेत्रदान, गांवों के देवता, नया समाज, विजेता, बैजू मामा और संपादन के रूप में विद्यापति की पदावली भी शामिल है। वर्ष 1999 में भारतीय डाक सेवा द्वारा रामवृक्ष बेनीपुरी के सम्मान में भारत का भाषाई सौहार्द बनाने हेतु भारतीय संघ के हिंदी को राष्ट्रभाषा अपनाने की अर्धशती वर्ष में डाक टिकटों का एक संग्रह जारी किया गया। उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनी पुरस्कार दिया जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी
जी का निधन 9 सितंबर 1968 को मुजफ्फरपुर बिहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।